सारण जिले के जलालपुर में हड़ताल के 16वें दिन बीआरसी परिसर में हड़ताली शिक्षक डटे रहे। हड़ताली शिक्षकों के बीच जिले के शिक्षकों के हित के लड़ाई लड़ने वाले जुझारू नेता व जिला अध्यक्ष समृद्ध बहादुर सिंह ने कहा कि शिक्षकों का हड़ताल बिहार सरकार के मनसा का उपज है। नीतीश मोदी नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चे विद्यालय में पढ़ें, मेधावी विद्यार्थी शिक्षक बने। ये लोग गरीबों की झोपड़ी के आगे दीवार खड़ा कर गरीबी छुपाने वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक हड़ताल कर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हम शिक्षक ऐलान करते हैं कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू कर सभी गरीब छात्रों के साथ साथ अमीरों के बच्चों के भी हाथों में कलम, एक समान शिक्षा पद्धति लागू कर दीजिए। श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है, शिक्षक अब जाग चुका है, वेतनमान लागू करें अन्यथा आपको गद्दी छोड़कर जाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी धमकी से शिक्षक डरने वाले नहीं है। वहीं शिक्षकों के एक स्वर से स्वर में कहा कि जब तक समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं शिक्षकों के हड़ताल में मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व नवादा पंचायत के युवा मुखिया अशोक कुमार सिंह पहुंचकर शिक्षकों के आंदोलन में चार चांद लगा दिए। मुखिया को जिला से पधारे शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष समृद्ध बहादुर सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। श्री सिंह ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ साथ सरकार अन्याय कर रही है जिसे अब मुखिया संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे बिहार के मुखिया अब शिक्षकों के साथ हैं। मुखिया ने कहा कि सरकार बार बार हमारे शिक्षकों को डराने का कार्य करती आ रही है जिसका अब नियोजन समिति घोर निंदा करती है। जलालपुर छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। सबों ने कसम खाकर एक स्वर में रघुवर दास कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इन पाखंडी शिक्षकों को, गुंडे शिक्षकों को वेतनमान नहीं देंगे। तो हम तो मिट्टी में नहीं मिले रघुवर दास जी, लेकिन आप मिट्टी में मिलकर भागपुर जिस दिन राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथी जब जाएंगे ठीक रघुवर दास की तरह, आप भी बैठ के कहीं नालंदा में जाकर झाल बजाने का काम कीजिएगा। यह मैं वादा करता हूँ। चला आपको जात पात धर्म शिक्षक का एक जाति होता है मेरे साथियों, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, उसका जाति है सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना। इसके अलावा उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई बजाव नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। मैं कहना चाहता था कि क्या स्थिति है सरकारी आंकड़े उठा के देखिए बाबा, 26% जिस समय नियोजित शिक्षक नहीं हुआ करते थे रेश भाई, हाँ ये आंकड़ा बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, चोर मुख्यमंत्री झूठा मंदिर। 26% शिक्षा का जो दर था दादा मुखिया जी, आज लगभग 67% हुआ है। ये आपके पिताजी के परामर्श नहीं हुआ है, इन्हीं 2003-05 के जो शिक्षक है, जो हमारे आज नियोजित शिक्षक जिसको आप बोलते हैं, उनके आने के बाद विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ा और विद्यालय में बच्चियों की भी संख्या बढ़ा। तब जनता जब और इस तरह के लोग जब बौखला जाएंगे तो अच्छे अच्छे थानासरा का तख्ता पलट हो जाता है। नीतीश कुमार के अधीन हम लोग बहुत नजदीक से देखे, हम लोग ये पंचायतों में जो बदलाव हुआ उसकी भी लड़ाई हम लड़े पंचायतों में। ये लड़ाई, ये तो कहा जाता है इनके बारे में पिता लोग बोलते हैं ये पति पत्नी को अलग करा देंगे, इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे शख्स हैं जो आप पति पत्नी को अलग करा देंगे, आप शिक्षकों में भी फोड़ डलवाएंगे, जात पात उन के बीच, यही इनका कहानी। बहुत नजदीक से हम तो 1.5 घंटा इनके साथ मीटिंग किए थे, जब मेरा केस होते गया 14 केस किए इनके ऊपर, तो फिर खबर आया इनके मंत्री के द्वारा कि आपके मक्का के लिए माता होती है, लेकिन बस वही आश्वासन और कुछ नहीं। हमारे पंचायतों की स्थिति आप छुपी नहीं है, एक जल योजना हो रहा है,
ईमानदारी से अगर इस जन धन योजना की जांच कराते हो तो हम समझते हैं कि भारत में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है जितना बड़ा ये घोटाला।